into our YouTube channel, Al-Hadi channel. Series is History of Coups in Pakistan. It is about the first coup which succeeded in Pakistan, October 1958 coup, led by General Mohammad Ayub Khan and mainly assisted by Air Marshal Asghar Khan, Air Chief, and Deputy Commander in Chief General Mohammad Musa Khan. The coup was successful and this led to the series of coups in Pakistan in 19 Yahya Khan coup, Ziaul-Haq coup, Musharraf coup, etc. I hope you will enjoy the program. Please watch, share, subscribe our channel. Thank you very much. पाकिस्तान में कूप की तारीख या हिस्ट्री जो है वो शुरू होती है 1951 से, जब अकबर खान का लेफ्टिस्ट कूप तो नहीं था, कूप अटेम्प्ट था, वो नाकाम हुआ। फिर 1958 में 7 अक्टूबर 1958 को अयूब खान की क़यादत में एक कूप हुआ जिसने उस वक्त के वज़ीर आज़म फिरोज़ खान नून का तख्ता उलट दिया। उस वक्त के सदर मेजर जनरल इस्कंदर मिर्ज़ा अयूब खान के साथ थे, उसने अयूब खान को वज़ीर आज़म नामज़द कर दिया, एक फौजी कमांडर इन चीफ वज़ीर आज़म बना। लेकिन सिर्फ 20 दिन के बाद यानी 27 अक्टूबर को अयूब खान ने इस्कंदर मिर्ज़ा का भी तख्ता उलट दिया। इस कूप में उसके जो मेन जनरल इनके मददगार थे वो थे जनरल मूसा खान और एयर मार्शल असगर खान। ये कूप कामयाब हो गया। मेनली कूप की जो फौज को जो भेजा गया था वो मेनली रावलपिंडी और कराची को में भेजा गया, जो कराची उस वक्त कैपिटल सिटी था पाकिस्तान का। कूप कामयाब हुआ। मुल्क में जो सियासी जमायतें थीं उस वक्त, मुस्लिम लीग, अवामी लीग, रिपब्लिकन पार्टी, इन सब की सब जो है वो गैरकानूनी करार दी गई। 1956 का जो दस्तूर था, आईन था, उसको ख़त्म किया गया। मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज किया गया और अयूब खान ने चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर और सदर का अहदा संभाल लिया। उम्मीद है कि ये सीरीज़ और ये सिलसिला आपको पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच। कूप द्एटा की कोशिश तो 1951 में नाकाम हो गई थी, लेकिन 1958 में कूप द्एटा जो मुकम्मल कूप द्एटा था वो कामयाब हुआ। 7 अक्टूबर 1958 को फ़ौज ने मुल्क में कूप द्एटा बर्बाद किया, जो तकमील को पहुंचा 27 अक्टूबर को। 7 अक्टूबर को वज़ीर आज़म फिरोज़ खान नून को हटाया गया, जबकि 27 अक्टूबर को उस वक्त के सदर इस्कंदर मिर्ज़ा को का ओवरथ्रो किया गया, उसको अपने ओहदे से हटाया गया। कूप द्एटा जहाँ हुआ वो दो जगहों पे फौज आ गई, एक कराची, दूसरा रावलपिंडी। ये कूप द्एटा वज़ीर आज़म, जैसा कि पहले बताया कि वज़ीर आज़म फिरोज़ खान नून और सदर इस्कंदर मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ था। इस कूप द्एटा के लीडर जनरल मोहम्मद अयूब खान थे, जबकि उनके ख़ास मुआविनीन में उस वक्त के एयर चीफ एयर मार्शल मोहम्मद असगर खान और मुस्तकबिल के कमांडर इन चीफ जनरल महमूद मूसा खान थे। उस वक्त जैसा बताया कि पाकिस्तान आर्मी के कमांडर चीफ जनरल मोहम्मद अयूब खान थे, उन्होंने इस कूप द्एटा की क़यादत भी की। नतीजा जो कूप द्एटा का आया वो के कूप कामयाब हो गया, सदारती राज नाफिज किया गया मुल्क में, यानि प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक बनी पाकिस्तान।
1956 का जो आईन था, दस्तूर था, उसको ख़त्म किया गया और सब सियासी जमायतों को गैर कानूनी करार दिया गया।